नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं बिच्छा कॉल में। और बिच्छा कॉल जो जगह है वो राजगीर प्रखंड स्थित भूई पंचायत का एक इलाका है। यहाँ के परिवार के वो लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो कि दावा कर रहे हैं कि बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो गुरुजी हैं वो इनके पिता हैं। हमारे साथ इस समय सोहराई मिस्त्री मौजूद हैं और सोहराई मिस्त्री की धर्मपत्नी भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने टीवी पर ये खबर देखी कि इनके ससुर जी बैठे हुए हैं और इन्होंने उन्हें पहचान लिया। अब क्या कहानी है, फ्लैशबैक में चलने की कोशिश करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले सोहराई मिस्त्री से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके पिताजी बाहर गए तो क्यों गए थे। एक बात बताइए, आप ये कह रहे थे अभी कि आपके पिताजी 30 साल पहले बाहर गए थे, क्यों गए थे आपके पिताजी बाहर? पूर्णिया के मेला है, कार्तिक पूर्णिया के मेला में गए। अच्छा, ओकर बाद लौट के नहीं आए। लौट के नहीं आए? नहीं। तो किस प्रवृत्ति के इंसान थे? धार्मिक थे? धार्मिक बनल थे। अच्छा, गुरसिक लिखोल थे, सगरो घूमे थे, दो चार पांच जगह गए थे पहले ही। पांच साल पहले ही से साधु हो गए थे। पांच साल पहले ही साधु हो गए? आपकी मम्मी जीवित थी? नहीं, मम्मी तो हमको मर गया है, चार पांच बरस के थे तब। जब आप पांच साल के थे तभी? हाँ, तभी। आप इकलौते हैं? इकलौते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपकी परवरिश आपके पिता ने की? हाँ, पाल पोस दिया, शादी विवाह कर दिए, चार को बालो बच्चा के देख के वो साधु होके चल गए। तो कैसे पता चला आप लोगों को कि पिताजी चले गए हैं, अब नहीं आएंगे? तो गए हैं घर से, खाना ना खा के ना बाहर आए हैं देख के हमारा चारों बाल बच्चा के। नहीं तो उसके बाद जब गए तो कुछ दिन तो आप लोग उम्मीद रखे होंगे ना कि पिताजी आ जाएंगे? हाँ, तो उम्मीद रखे रखते हैं क्यों पता नहीं चला? नहीं पता चला? नहीं चला। अच्छा। अभी टीवी पर देखे हैं तीन तारीख के, तो वे विश्वास हुआ कि हमारा पिताजी है। कैसे पता चला कि आप ही के पिताजी? मुठान से हमने चिन्हे, मुंह से चिन्हे। हाँ, मुठान से। अच्छा, जैसे चेहरा से उनको चिन्हेंगे ना। तो उनको पहचाना कौन? पहचान बीवी। अच्छा, एक मिनट इनसे ही बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो हाल है हिंदू, मगर ये वोटर लिस्ट में है शारदा देवी। अच्छा, वोटर लिस्ट में आपका शारदा देवी नाम है। ससुर जी हमारे जानते हैं, इनके हिंदू नाम है। ससुर जी आपको हिंदू नाम से जानते हैं? तो आप अपने ससुर जी को कैसे पहचान गई? क्या कर रही थी आप उसको? हम सपार करके टीवी देख रही है, चार बजे से तीन बजे तक आस्था पर ही संस्कार हल है, यही दुगो में कोई आस्था या संस्कार नाम से कोई आप चैनल देख रहे थे? हाँ, देख रहे। और पर बागेश्वर बाबा के सत्संग दिखा रहा है, और में देख ली कि पहले बायां बगल में खड़ा हल थे हमारे ससुर जी, ओकर बाद फिर देखे कि दाहिना बगल अथी सोफा पर दोनों पट्टी बैठे हथिन, बायां साइड में हथिन बागेश्वर बाबा सोफा पर ही, और दाहिना साइड में हमारे ससुर जी हथिन सोफा पर ही, उधर आज के माला ले ले। वही अचानक हम देखे के लिए जाइए जाइए, लड़कन के बोली कि देखे तोर दादा थो, तोर दादा थो, तो सब यही ले दौड़ल, वही टीवी में कैच कर करके सब फोटो निकल के, और सवेरे उठ करके बिलोरो कलक, और दो दिन रह लिए हुआ बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम ने पता चले कि बाबा चल गए थे। फिर हम जहाँ शादी है के तारीख हले जाइए जहिया भी हम देख लिये जिरसा देख ली जाइयो टीवी पर चल ली है लौट के, तब वहाँ पता चले कि है शिवरात्रि के दिन भी आपने टीवी पे उन्हें? हाँ, जहियो सांझ में हम देख लिए है। ठीक है, जरिया सा देख ली जहिया, और जहिया तीन तारीख हले लगा जहिया देख ली यह घड़ी। तीन तारीख कौन सा महीना? मार्च में। ठीक, फागुन था, मार्च था। हाँ, आपके घर वाले बता रहे हैं। ठीक है, शिवरात्रिया के पहले हले। ठीक, मार्च में वही देख लिया, जैसे खोज में लग ली की बचिए रहती, अभी बचिए रहती, बाल बच्चा देखे लगी सब बेदम है, दूगो पोता है, दूगो पोती है, उनका नाम हम जानवे करते हैं, पोता पोती के सबके नाम जानते हैं, रंजू नाम है, रंजीत नाम है, संगीता नाम है, सुजीत नाम है। अच्छा, लेकिन दुई महीने के हमारे छोटका बेटा तो खेला के गलथिन पुनिया रहे बिहान कार्तिक के आवाज है, रात में चल गए मैंने सवेरे होते चार बजे वही नए थे ना, मैंने इंतजारे में ही क्या नहीं थी। तो आप लोग मतलब पक्का कंफर्म हो गए कि आप ही के ससुर जी? हमारा विश्वास है कि वही है ही थे, मैं बोलते भी देखा ली वजह पर ही, अब बैठल भी देखा। तो इस विश्वास के लिए क्या किए, बागेश्वर धाम पहुँचे तो वहाँ उनसे मुलाकात हो पाई? नहीं नहीं, मुलाकात होली, बहुत खोज लिए उजलिए, तब से कार्यकर्ता लीजिए तब तक पूछबो के लिए, सब कल के फोटो देखेलिए, सब कल के कि बाबा आए थे लेकिन ये बाबा छतरपुर में रहते हैं चले गए। तो आप लोग छतरपुर गए? नहीं, हमारे के नहीं बनार मिले, आशा भाषा नहीं कुछ पता है, बाले बच्चे चले गए तभी उतर के। अभी आपके हाथ में कुछ है, कुछ दिखाने वाली है क्या? नहीं, ये फिर
अच्छा वो कुछ बाहर की चीज है। ठीक है, अभी हमको एक पासबुक दिखा रहे थे ये, और हम चाहेंगे कि हम सबके सामने में दिखाएं। एक सेकंड, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा पास आ जाइए और इस पासबुक पे एक फोटो दिखाइए। इस पे रामलाल दास लिखा हुआ है और सामने में एक तस्वीर लगी हुई है। आप इस तस्वीर को पहले गौर से देखिए, फिर उसके बाद हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। उम्मीद है आपने देख लिया होगा, ये दूसरी तस्वीर है। ये तस्वीर आप लोगों ने खींची है टीवी से, ये वही तस्वीर है। अब दोनों तस्वीर पहचानने की कोशिश कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, जब वो टीवी पे दिख रहे थे, अब कैमरामैन पीछे चल जाइए, दिखाइए सबको कि ये कैसे बोल रहे हैं कि बाबा बागेश्वर के गुरु जी ही वो हैं। हो सकता है कि कोई और ये हो, गुरु हो, महात्मा हो, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि वो गुरु जी हैं, ये क्यों कह रहे हैं? ये अंदाजा कर रहे हैं कि बैठल कैसे है, ना गुरु है तो जबरे बैठ सकते हैं, कैसे बिन महात्मा के कुछ बैठ सकते हैं उनका साथ है। ये भी ठीक है कि महात्मा होंगे तभी बैठे, ये ना कुछ खूबी है ना, आप थोड़ा तर हम बैठल है तो कुछ खूबी रहेगा तब ये ना बैठ सकते हैं। बिल्कुल, आना तो प्रशासन तो जाने देगा अंदर, आम जनता के जाए देगा कोई भी। अच्छा एक मिनट के लिए हमको बताइए कि अगर जरूरत पड़ेगा तो डीएनए टेस्ट करवा लीजिएगा कि आपके पिताजी हैं। हाँ हम करा लेंगे, उनको चिन्हात है। अच्छा चिन्हा है, राजगीर में छुरा मारा है, बामा पट्टी रहे भाई दैना पट्टी। कहाँ पे छुरा मारा थोड़ा सा दिखाइए, ये इतना पड़ी बाबू थोड़ा सा हट जाओ तो यहाँ पे। हाँ तो ई पट्टी रहे ना, तो ई पट्टी रहे, दुगो में कोई पट्टी रहे। कब छुरा मारा है, किस टाइम में? वह टाइम में मारा है, जाए के पहले मारा है। कौन मारा था? हाँ राजगीर में रहे थे, विश्वकर्मा मंदिर में। अच्छा उस टाइम भी वो पुजारी ही हुआ था? पुजारी है, सब दिन पुजारी है। सब दिन पुजारी है? हाँ पुजारी है। तो आपका जो घर परिवार चला है तो पुजारी के रूप में ही चला है? हाँ हाँ हाँ, वो आप लोग जो भी दाल रोटी खा पाए वो पुजारी मतलब पंडित हुआ पुजारी। नहीं हमको एक बात शुरू से बताइए कि जब आपके ससुर 20-25-30 साल के हुए तो पहली बार उन्होंने कौन सा काम किया आपको पता है? पहले तो ये सब मिस्त्री का काम, पहले मिस्त्री का काम करते थे, लकड़ी का काम करते। हाँ, वही लकड़ी। ठीक है ठीक है ठीक है। आप अभी 1990 का पासबुक दिखा रही हैं, ठीक है? तो 1990 से पहले आपके ससुर जी क्या करते थे? साधु बना थे। साधु? आपके शादी के टाइम में वो क्या थे? तब तो मिस्त्री थे, काम कर रहे थे तब तक वो मिस्त्री थे। आपकी शादी कब हुई है? 75-76 में हुआ। 75-76 में हुआ। उस समय आप कितने साल के रहे हो? हम 15 साल के थे। 15 साल के थे तो मतलब पिताजी के सामने में आपकी शादी हुई और आप और आपका परिवार, और आप ये कह रहे हैं कि आपके पिताजी आपके चारों बच्चों को देख चुके हैं। हाँ, हम लोगों के जो धर्म कर्म में हिसाब किताब होता है वो ये होता है कि पिताजी अगर 12 वर्ष तक नहीं मिले तो हम लोग गया जी में चले जाते हैं। ना, ना, ठीक है, कुछ नहीं। आप लोग ऐसा कुछ किए? नहीं कुछ नहीं, काम क्रिया करते। चाची एक मिनट हमको इनसे पूछने दीजिए ना, आपसे पूछ लेंगे। काम क्रिया नहीं किए हैं, नहीं विश्वास हमारा है कि वो जीवित है। अच्छा, आपको विश्वास है? हाँ, हाँ विश्वास, ये शुरू से विश्वास। हाँ विश्वास है कि अखनी हमको नहीं मरे हैं। गांव घर के कहता है कि देखिए ना बाबू जी के कामों ने किया है, मर गया तो कामों ने कर रहा है, बाकी हम काम। गांव घर के लोग आपको ताना देते? हाँ ताना देते हैं। हाँ। कि देखिए ना आप उन्हें हमें नहीं बढ़ी जाती है, कमाई खाए भला तो समझिए जाते हैं। अब कामे कह रहे हैं मरे तो गाँव पर जाएंगे, रंथी बनावे तो जाएंगे ना, भोज में खाए ले दिन देगा ना, तो इसी मजाक करता है। कुछ कह रहे हैं हम कि ना तुर बाबू मरे हमारे बाबू ना मरे शादी के बाद तो आप देखे होंगे ना अपने ससुर जी? हाँ हमारा खिला के लड़कन बुतरों के चारों के खिला के जहिया से कभी ना देखा लिया टीवी पर, चाहे कन्हू ना देखा लिया, जहिया को एक देखा लिया टीवी पर लगले कि वही है ये थे, वही थे तब के ठीक है। तो ये एक ऐसा परिवार है जो इस बात को लेकर दावा कर रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो गुरु हैं वो इनके ससुर जी हैं। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो टीम है वो ये कहती है कि उन्होंने राम भद्राचार्य से अपनी शिक्षा दीक्षा ली है, तो वो इस बात को नकार जरूर रहे हैं। लेकिन हम सोहराई मिस्त्री के घर पर हैं और ये मेरे पीछे में सोहराई मिस्त्री का घर है। मैं चाहूंगा कि एक बार कैमरामैन आपको दिखा दें। इधर जो है ये इनका फर्नीचर का शॉप है, इनके बच्चे रह रहे हैं परिवार में। सोहराई मिस्त्री अकेले हैं, इनकी धर्म पत्नी है, इनके बेटे हैं और इनके पोते होते हैं। हंसता खेलता परिवार है। सोहराई मिस्त्री डीएनए टेस्ट से भी इनकार नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम डीएनए टेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं। अगर वो मेरे पिताजी होंगे तो हम उनका सम्मान करेंगे, अगर वो आना चाहें तो भी
सम्मान है, नहीं आना चाहे तो कम से कम अपने बेटे से एक बार मिल तो लें।